अब देखिए अपने श्रीधर आचार्य विधि द्वारा अपने इसको हल करेंगे। श्रीधर आचार्य विधि से हल करने के लिए सबसे पहले देखिए 2x² - 2√2x + 1 + 1 = 0। ठीक है, अब इसको हमें सबसे पहले व्यापक द्विघाती समीकरण जो है उसके अंदर रखेंगे। देखो ए एक्स की स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर के पास क्या है, वो ए का मान हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर के पास 2 है तो ये 2 इसका मान हो गया। यहाँ देखिए एक्स के पास में बी एक्स जहाँ लिखा हुआ है तो ये जो एक्स को छोड़ करके ये जो मान है ये बी का मान है 2√2। ठीक है, और फिर ये तीसरा जो है वो सी का मान है, सी का मान कितना है 1। ठीक, अब अपने क्या करते हैं इसको इसमें रखना है, ये जो सूत्र है डी का विव्यक्तिकर का, डी बराबर बी की स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक, डी बराबर बी की स्क्वेयर 2√2 का स्क्वेयर माइनस 4 × a, ए कितना है 2, गुणा सी कितना है 1। इसको भी मैं कोष्टक दे देता हूँ, 2 × 4 × 2 ये हो गया माइनस 4 × 8, 8 × 8 डी बराबर 8 − 8 डी बराबर आ गया 0। अब देखिए इसमें तीन स्थितियां बनती है। देखो अगर 0 आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अगर यहाँ ये अंक प्लस में आए तो सभी के मूल वास्तविक होंगे यानी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे सॉरी, और अगर ये माइनस में आ जाए इसका डी का मान तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तीन स्थितियां आपको याद रखनी है, इसमें तीन स्थितियां होती है, दो स्थितियों में तो हल होता है, तीसरी स्थिति में हल है नहीं होता, जहां होता है वहीं पे छोड़ दो और लिख दो मूल वास्तविक नहीं। दो स्थितियों में आपको आगे सूत्र लगा के हल करना पड़ेगा। अब देखिए मैं ये हो गया तो अब अपने यहां लिखेंगे 0 आया ना तो अपने लिखेंगे मूल वास्तविक है, वास्तविक व समान है यानी बराबर होंगे। ठीक, अब अपने ये सूत्र श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस और माइनस ये वापस यही सूत्र है, देखो बी की स्क्वेयर माइनस 4ac / 2a। ठीक है, अब ये जो ये आया है ना ये अपने पहले हल कर चुके हैं तो इसका मान कितना है 0, तो इसकी जगह अपने 0 सीधा ही रख सकते हैं, या बी रख लो, बी कितना था 2√2, ये किसका है माइनस का, किसका है माइनस का, ठीक है ना, और ये खुद किसका था भाई, ये माइनस का था, किसका था माइनस का, ये माइनस का करने से कोई फर्क नहीं, माइनस का था तो ये माइनस, प्लस और माइनस ये कितने का किसका मान है, देखो ये डी का मान है तो डी में कितना आया था अपना 0, मैं यहाँ सीधा 0 रख देता हूँ ऐसे, बटा में 2a हो गया। अब अपने आगे चलते हैं, देखो ये आगे चलेंगे तो अपना होगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2√2 बटे 2 × a है, ए का मान कितना है देखो 2, तो ये आ गया 2√2/4, 1 × 2 = 2 × 2 = 4, ये आ गया √2/2। ठीक है, √2/2, अब अपने इसको हल करते हैं, √2/2 आ गया ना, अब इसको अपने हल करते हैं तो यहाँ देखिए ये √2 है, इस 2 के अंदर √2 √2 छुपे हुए हैं, दोनों को गुणा करने पर 2 आते हैं, तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ, देखो √2 ऊपर वाला लिखा
नीचे इस दो के टुकड़े दो कर दूं, रूट दो गुणा रूट दो, रूट दो एकम दो, रूट दो एकम दो, एक बटा रूट है दो, एक बटा रूट है दो। और ये उसमें लिखा था कि मूल वास्तविक और समान होंगे, तो इसके दोनों मान कितने आ जाएंगे, एक बटा रूट दो और एक बटा रूट है दो। इस प्रकार से अपने इसको हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। धन्यवाद।